और लगातार अतीक अहमद और अशरफ अहमद के कत्ल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में हाई अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल कॉलेजेस के बाहर भी इजाफी फोर्स तैनात रहेगी। सीसीटीवी से भी अहम जगहों की निगरानी रखी जा रही है। लगातार खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि दिफा 144 भी नाफिज की गई थी। अतीक और अशरफ के कत्ल के बाद सिक्योरिटी अलर्ट है। अलग अलग इलाकों में पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है। तो प्रयागराज में हाई अलर्ट इस वक्त जारी है, क्योंकि प्रयागराज में ही जब कोर्ट ले जाया जा रहा था, मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था अशरफ और अतीक को, तभी वहां पर तीन हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में पुलिस हर जाविये से जांच करती हुई नजर आ रही है। हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। स्कूल कॉलेजेस के बाहर भी इजाफी फोर्स तैनात करने का हुक्म दिया गया है। तो इसी हवाले से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग भी की थी और इसके अलावा सीसीटीवी से भी अहम जगहों की निगरानी की जा रही है।